तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 5 सितंबर तक के जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसे पे नहीं करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं और हमें मैसेज भी किए, अच्छा लगा, करना भी चाहिए। जो लोग एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं और सच में जॉब लेना चाहते हैं दोस्त, बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपका टेस्ट अब वहीं पे लेंगे। कब से लेंगे ये आपको हम बता देंगे, अभी जैसे टेस्ट चल रहा है लिंक से उसी तरह से टेस्ट चलेगा। एप्लीकेशन पे टेस्ट आपका 10 सितंबर से चलेगा, जान लीजिए आज कि 10 सितंबर से उसी पे चलेगा। 9 सितंबर के वीडियो में आपको हम बता देंगे कि कैसे कहां पे टेस्ट देना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिनको भी एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टेस्ट देना है आज तक जो भी लोग डाउनलोड करेंगे फ्री में कर लेंगे, उसके बाद से पे आपको कहीं करना पड़ जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपको पे लगे, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको टेस्ट कराना चाहते हैं, चाहे जो पढ़ा रहे हैं वो भी, हम एक रुपया चार्ज नहीं करते हैं दोस्त, ठीक है। तो चलिए क्या कीजिए कि जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, ERCV सर करके है, तो जो यूट्यूब का चैनल का नाम है वही सी चैनल से आपका आपका जो प्ले स्टोर पे क्या है कि एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो सर्च कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि अभी जो सेट रैपिड सेट 2 है उसमें जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला हुआ है, तो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या जेड है और द्रव्यमान संख्या कितना है ए है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आपको कहता है निकालने के लिए कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो दोस्त न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं, तो द्रव्यमान संख्या ए है और परमाणु संख्या जेड है, तो ए में से क्या करेंगे जेड को घटा देंगे, वही ना मेरा न्यूट्रॉन की संख्या आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ए माइनस जेड जो होगा दोस्त ये थर्ड नंबर होगा, ये तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे ही इसी पे भी कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, तो न्यूमेरिकल भी बना दीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे जो है कैंसर के उपचार के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें से किसे किसके द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है दोस्त कैंसर के इलाज में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, CO यानी कोबाल्ट 60 इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान ऊर्जा के कहता है कि समतुल्य में सही संबंध बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें द्रव्यमान और आपका ऊर्जा में समतुल्य जो है संबंध क्या हो सकता है, एम बराबर ई हो सकता है, या आपको दे दिया है एम स्क्वायर बराबर ई हो सकता है, या एमसी स्क्वायर बराबर ई, और जो है चौथा दे दिया है आपको एम बराबर अंडर रूट ई, क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा में जो सही संबंध है जिसको दोस्त ई बराबर एमसी स्क्वायर कहते हैं, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ई बराबर एमसी स्क्वायर। एम क्या है दोस्त इसमें, तो एम जो है मास है यानी द्रव्यमान है, सी क्या है कि प्रकाश की चाल होता है जो कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ई एनर्जी है, ठीक है। तो ये आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है, आइंस्टीन साहब ने ये इक्वेशन दिया था, ठीक है। कभी कभी आपको आइंस्टीन इक्वेशन ही पूछ देगा, तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि किसी तत्व के दो समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य होते हैं, तो समस्थानिक में होता क्या है। देखिए समस्थानिक कहते किसके है, तो जिसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन उसकी परमाणु भार क्या हो, द्रव्य परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, समस्थानिक कहते हैं। तो परमाणु संख्या प्रोटोन की संख्या दोनों एक ही होता है, प्रोटोन की संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या समान हो या प्रोटोन की संख्या समान हो, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, प्रोटोन की संख्या समान होती है लेकिन उसका भार क्या होता है कि डिफरेंट होता है, वो समस्थानिक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है संभारिक युग्म है, संभारिक कहता है, तो संभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन उसका परमाणु संख्या क्या होता है कि भिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान संख्या अलग होगा इसका, तो ध्यान रखिएगा इसमें देख लीजिएगा कौन होगा, तो दोस्त ये फोर्थ नंबर, ठीक है। देखिए 15P30 दे दिया है और ये जो है 14P30 दे दिया है, तो ऊपर जो है द्रव्यमान संख्या है, ये क्या है आपका कि द्रव्यमान संख्या समान होगा लेकिन इसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा,
तो ये संभारिका में आएगा। तो फोर्थ नंबर ये मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दोस्त, ऐसे क्वेश्चन टेक्निशियन में पूछे जाते हैं, एएलपी में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा। और कुछ लड़के मैसेज करते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराइए, तो दोस्त प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रखे हैं। फिजिक्स में 800 क्वेश्चन दिए थे, केमिस्ट्री में 700 दिए थे, बायोलॉजी में ऐसे 600 कुछ क्वेश्चन दिए थे, जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको दिया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम उसमें करा रखे हैं। ठीक है, तो उसको एक बार जाकर के चेकअप कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट उसमें आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी भी करा दिए है आपको, ये रैपिड सेट चला है, तो रैपिड सेट भी काफी इंपोर्टेंट है, इसमें भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, तो बने रहिएगा, जब तक सेट चला है हम पूरा एग्जाम तक कवर करवाएंगे। दोस्त जो लोग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, दोस्त 40 में 40 एकदम ध्यान रखिएगा, ठोक के आना है, पूरी तरह से तैयारी करवा देंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दे दिया इसमें, कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता जो है महत्तम होती है, यानी सबसे अधिक होती है। तो देख लीजिए इसमें दे दिया है कि एक्स किरण की, या कैथोड किरण की, या अल्फा किरण की, या गामा किरण की, किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो होती है गामा किरण की। किसकी होती है? गामा किरण की। अल्फा से भी ज्यादा होता है, बीटा से भी ज्यादा होता है। बीटा का अगर कहिए तो 100 गुना अधिक होता है गामा किरण, और अल्फा से 1000 गुना होता है ज्यादा। ध्यान रखिएगा, गामा किरण की, यह हड्डी को भी भेद सकता है, जान लीजिए इतना मतलब खतरनाक होता है ये गामा किरण जो होता है। तो सबसे ज्यादा महत्तम भेदन क्षमता जो होता है आर पार कर देगा आपका गामा किरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। तो मृग मरीचिका तो आप समझते होइएगा, ठीक है, जो मतलब जैसे चले जाइए जहां पे रेगिस्तान वाले क्षेत्र होते हैं, या बहुत सारे फील्ड होते हैं, या रोड होते हैं, वहां पे दूर से देखिएगा, गर्मी के मौसम में दूर से लगेगा कि वहां पे पानी है, झिलमिला रहा है पानी की तरह, लेकिन जब पास पास जाइएगा तो वहां पे पानी होता नहीं है, वो एक तरह का मतलब कि वो गर्मी की वजह से ही होता है। ठीक है, तो वो होता क्या है दोस्त, वो गर्मी के समय में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश का वहां पे। ठीक है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें, उस वजह से क्या होता है कि मृग मरीचिका बनता है। तो हमें लगता है दूर से कि वहां पे पानी है, लेकिन जाने पे पानी होता नहीं है। राजस्थान में जाइएगा तो बहुत सारे फील्ड होते हैं, गर्मी है ना, मैदानी क्षेत्र है, वहां पे ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे आप रोड पे भी चलते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन रोड होगा वहां पे दूर पे गर्मी के दिनों में देखिएगा ऐसा सीन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये किसकी वजह से होता है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि तेल की पतली फिल्म या साबुन का पानी जो है रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। जी हां, जैसे कि आप नदी समुद्र में चले जाइएगा, जहाज वहाज होता है, उससे तेल रिसाव होते रहता है। ठीक है, समुद्र में या नदी में, तो वो क्या होता है कि ऊपर से दिखने पे एक परत, रंगीन परत आपको दिखाई देता है, तो वो परत तेल का होता है, रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। या साबुन के झाग होता है, देखते हुएगा बुलबुले भी रंगीन जो है दिखाई देते हैं, तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण आखिर है क्या, किस वजह से जो है रंगीन दिखाई देता है, यही इसमें सवाल पूछा गया है। तो ध्यान देखिए, पहला कहता है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा कहता है वर्ण विक्षेपण, और चौथा कहता है व्यतिकरण यानी इंटरफेस। दोस्त ध्यान रखिएगा, इंटरफेस यानी कि व्यतिकरण की वजह से क्या होता है कि हमें वो रंगीन दिखाई देता है, यह चौथा नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? व्यतिकरण, व्यतिकरण की वजह से दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहता है कि हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देता है। जी हाँ, छोटा हमेशा दिखाई देगा, आभासी दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, छोटा और आभासी जो दिखता है वो किस में दिखता है दोस्त? ये सेकेंड नंबर, उत्तल में दिखता है। ठीक है, तभी तो लोग ड्राइवर जो होते हैं वो साइड मिरर के रूप में क्या होता है कि इस उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कि बाहर के पीछे का बड़ा क्षेत्र जो होता है वो छोटा दिखता है उत्तल दर्पण पे, और सीधा दिखता है, आभासी दिखता है। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा क्षेत्र होता है उतना दिखता नहीं है, तो ये आभासी हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किस पे? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण पे बनता है। ठीक है, समतल पे तो पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है, जो आप देखिएगा उसका दायां का बायां होता है वो पार्श्विक होता है, और अवतल में क्या होता है कि आपको बड़ा दिखेगा, जितना आपका चेहरा है, जितना फेस है, जितना वस्तु का आकार होता है उससे बड़ा दिखता है दर्पण में, तो अवतल में बड़ा दिखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तन जो है कहता है
की अधिक होता है। जी हाँ, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, इसी में लोग कंफ्यूजन होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं। अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तरंग दैर्ध्य समझ के ही मार देते हैं गलत क्वेश्चन। देखिए अपवर्तनांक अगर कह रहा है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा इसमें अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक जो विचलित होता है उसी का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। तो सबसे विचलित इसमें कौन सा रंग होता है, बैगनी होता है, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, ध्यान रखिएगा। और तरंग दैर्ध्य जो होगा वो लाल का होता है, रेड का होता है तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य इसमें सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा, ध्यान रखिएगा। तो तरंग दैर्ध्य कहेगा या तो अपवर्तनांक कहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो में कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। तो क्लियर है यहां पे, नोट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मनुष्य के आंख के रेटिना पर कहता है कि किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के आंख पे रेटिना, आंख में कौन सा लेंस लगा होता है दोस्त, ये द्रव के रूप में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, उत्तल लेंस होता है। इस पे कौन सा प्रतिबिंब जाकर के बनता है, तो किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो ये जाकर के आंख के अंदर जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, जिस चीज को हम देखते हैं उसका ठीक उल्टा आंख में बनता है। लेकिन यह आंख के तंत्रिका तंत्र से होते हुए मस्तिष्क में जाकर के उसका छवि सीधा दिखाता है, इसलिए हम किसी वस्तु को देखते हैं कि नहीं सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है, ध्यान रखिएगा। तो वास्तविक उल्टा और छोटा होना चाहिए, चलिए छोटा नहीं दिया है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर कहता है एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम बताना है कि कौन जो है दिष्ट धारा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो देखिए वो मतलब कि यंत्र कौन सा होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपको हम बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर प्रत्यावर्ती मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता होगा, तो मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, रेक्टिफायर करता है, तो ये रेक्टिफायर होगा। लेकिन डीसी को एसी में अगर कहता तो हम लोग घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करके घर में बिजली सप्लाई करते हैं, तो क्या लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, कहते हैं तो कि चलो इन्वर्टर लगा देते हैं जिसमें बैटरी को कनेक्ट करते हैं, घर में बिजली दौड़ा देते हैं। तो बैटरी डीसी हो गया, घर में बिजली दौड़ा, एसी हो गया, कन्वर्ट कौन करके दिया, तो आपका इन्वर्टर, इन्वर्टर कन्वर्ट करके दिया। लेकिन उसी एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना हो उल्टा, तो रेक्टिफायर लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। यह रेक्टिफायर मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको यह दे दिया है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार रखा जाता है रोकने के लिए, किसे रोकने के लिए। देखिए देखते हुएगा स्टेपलाइजर घर में यूज किए हुइएगा या किसी भी तरह का आप ट्रांसफार्मर जरूर देखे हुइएगा, छोटा या बड़ा, उसका क्रोड जो होता है ना दोस्त वो परतदार होता है। तो परतदार आखिर क्यों बढ़ाया जाता है, देखिए जब ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं, जब उसमें करंट सप्लाई होता है, वोल्टेज धारा सप्लाई होता है, तो उसमें क्या होता है कि एडी करंट उत्पन्न होती है, क्या होती है, एडी करंट, यानी कि भंभर धाराएं उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है ना कि उसमें करंट का लॉस होता है। तो करंट लॉस ना हो इसके लिए क्या किया जाता है ना दोस्त, कि उस परत को क्रोड को, ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बना दिया जाता है कि उससे कम लॉस हो एनर्जी, उससे धारा जो हो कम लॉस हो, तो ऊर्जा क्षय कम हो इसलिए, एनर्जी लॉस कम हो इसलिए। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, और उसकी दक्षता यानी इफिशियंसी जो होता है वो बढ़ा रहे या उसकी इफिशियंसी में सुधार हो सके, इसलिए उसकी क्रोड को परतदार बना दिया जाता है, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड को, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी ट्रांसफॉर्मर से ही जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है दोस्त इसमें कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ध्यान रखिए। वैसे आपको हम बता देते हैं कि क्या होता है, यहां पे देख लीजिए, ये मुलायम इस्पात दे दिया, या तो मुलायम दे देगा या नर्म लोहा दे देगा, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से किसी एक को मार दीजिएगा। तो ये मुलायम इस्पात या मुलायम लोहे का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, क्रोड बनाने में करते हैं, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किसी धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा। देखिए कोई भी धातु होगा, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, किसमें, धातु में। लेकिन यही अगर आपको जो है आपको कहा जाता सेमी कंडक्टर और चालक जो होता है उसमें कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो कम जाता है उसका, ध्यान रखिएगा, उसमें उल्टा होता है सेमीकंडक्टर में। लेकिन इसमें धातु की बात कर रहा है तो धातु में प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दे दिया है आपको कि एक एचपी यानी हॉर्स पावर दे दिया है, अश्व शक्ति दे दिया है, किसके बराबर होता है? काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी सवाल है, पूछे जाते हैं अक्सर हाँ ये सवाल। तो 1 HP जो होता है वह 746 वाट बराबर होता है, ठीक है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, 746 वाट 1 HP बराबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपको हम बता दिए हैं कि 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है। तो दोस्त भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि सेल के बाहरी परिपथ में दे दिया है सर्किट में, ठीक है, जिस प्लेट से धारा क्या किया जाता है कि भेजा जाता है, तो उसे उस सेल के वो क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब एक सेल है, बैटरी है, जिस सेल से करंट को हम अंदर भेजेंगे, धारा को अंदर प्रवाहित करते हैं, तो वह सेल का क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, तो जिससे मतलब मेन पावर सप्लाई हो रहा है, तो मेन पावर सप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो दोस्त पॉजिटिव पोल होता है, यानी धन ध्रुव होता है। धन ध्रुव से ही हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी में मेन पावर सप्लाई देते हैं, ध्यान रखिएगा, तो मेन पावर सप्लाई जो देते हैं वो धन ध्रुव होता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या दे दिया है दोस्त, इसमें दे दिया है आपको कि एकांक समय में विद्युत धारा आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिए, ये तो मतलब एक डिफिनेशन हुई हो गया, तो डिफिनेशन पढ़े हुएगा तो आपको पता होगा कि ये किसका डिफिनेशन है, कि इकाई समय में अगर क्या होता है ना कि आवेश को प्रवाह किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्येक इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, किसे जानते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगा कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपका, ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है दोस्त कि ओम के नियम में अचर राशि कौन सा होता है, मतलब कांस्टेंट राशि कौन सा होता है जो चेंज नहीं होता है ओम के नियम में। अगर ओम का नियम पढ़े हुईगा तो आपको पता होगा क्या होता है, पहला प्रतिरोध दे रहा है, दूसरा आपको दे रहा है टेम्परेचर, तीसरा दे दिया है धारा, चौथा आपको दे दिया है इसमें से कोई नहीं, कौन होता है कॉन्स्टेंट राशि ओम्स के लॉ में। तो ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ में जो होता है ना दोस्त, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है टेम्परेचर, ये सेकेंड नंबर, इसका मान नहीं बदलता है। बाकी ओम के नियम तो आप जानते होइएगा क्या होता है, भी बराबर जो IR फॉर्मूला देते हैं, ठीक है। वैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि ओम्स लॉ कोई लॉ नहीं है, ये वास्तविक में लॉ नहीं है, यहां से क्या होता है कि रेजिस्टेंस का डिफिनेशन प्राप्त होता है, रेजिस्टेंस का डिफिनेशन प्राप्त होता है, ना कि ये ओम्स लॉ है, या जो रेजिस्टेंस होता है उसे ओमीय रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ विद्वानों ने इसे रिसर्च करके कहा है, तो इसलिए हमें याद आ गया है, इसलिए हम आपको ये चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह से डेली क्या होता है कि इसी चैनल पे, इसी जगह पे सेम शाम में आपको 6:30 से लेकर के 7:30 तक के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल साइंस के लिए, किसके लिए होता है, साइंस का होता है, किसके लिए, ALP और टेक्निशियन ग्रेड 3 के लिए होता है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, ज्यादा समय नहीं है आप लोगों को तैयारी करने के लिए, बहुत नजदीक ही आ चुका है, बहुत जल्द ही आपका क्या होगा कि एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा और एग्जाम शुरू हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल देर मत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए दोस्त पढ़ने में, ठीक है। अब पछताने से काम नहीं होगा, अब टाइम पास करने से भी काम नहीं चलेगा, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए अब क्लास, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को, अपने लोगों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसे भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ही लीजिए आज ही, नहीं तो कल दोस्त जान लीजिए 6 सितंबर के बाद जो भी डाउनलोड करेंगे उसे पे लगेगा, ध्यान रखिएगा, फिर हम नहीं कह पाएंगे कुछ, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। अभी से 4 घंटा है, अभी 12 बजने में 4 घंटा 5 घंटा है, तो 4-5 घंटा बहुत समय है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, कम से कम वहां पे रजिस्टर्ड हो जाइए, उसके बाद जो है देते रहिएगा, टेस्ट दीजिए ना दीजिए वो अलग चीजें है। और हाँ, जो लोग डाउनलोड कर रखे हैं दोस्त, जाकर के कम से कम रिव्यू दे दीजिएगा ताकि एप्लीकेशन अच्छे से रन कर सके। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग कम से कम इतना तो मेहनत कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इजाजत दीजिए हमें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।